गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस लोचिया से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही पार्ट आपके अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर द डिलीवरी इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद यूट्रस से जो ब्लड और कुछ बची हुई सेल्स जो डिस्चार्ज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लोचिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका प्यूरपियोरियल डिस्चार्ज होता है जिसके अंदर ब्लड, म्यूकस, डेब्रिस, टिश्यूज यूट्रस से निकल के बाहर आते हैं। तो डिलीवरी के बाद जो आपका ब्लड लॉस होता है उसको हम लोचिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज कंटेनिंग ब्लड, म्यूकस, प्लेसेंटल टिश्यू नोन एज। पोस्टपार्टम वही डिलीवरी के बाद वेजाइना से जो भी डिस्चार्ज होता है जिसके अंदर ब्लड, म्यूकस और प्लेसेंटा के टिश्यू होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग द परप्यूरियम एंड हैज एल्कलाइन रिएक्शन। ठीक है, परप्यूरियम यानी जापा आपका, यानी आफ्टर द डिलीवरी जो टर्म यूज की जाती है उसको परप्यूरियम बोलते हैं। उस वही सेम क्वेश्चन है, यूट्रस से होने वाले डिस्चार्ज को हम क्या बोलेंगे, लोचिया बोलेंगे। डिस्चार्ज ऑफ लोचिया अकर ड्यूरिंग द, अब ये पूछा है कि लोचिया जो डिस्चार्ज है वो कब होता है, तो वो ड्यूरिंग परप्यूरियम होता है, ना कि प्रेगनेंसी के दौरान, ना लैक्टेशन, ना मेंसुरेशन, ये कब होता है आपका, डिलीवरी के बाद परप्यूरियम के अंदर। उसके बाद पूछा है ब्राउन कलर लोचिया विच अक्कर बिटवीन 5 to 9 डे इज नोन एज। अब हमसे पूछा है लोचिया जो कि ब्राउनिश कलर का हमें देखने को मिलेगा 5 to 9 डे आफ्टर द डिलीवरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लोचिया सिरोसा। अब इनको समझने के लिए आपको तीन पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो लोचिया आपका बेसिकली तीन टाइप का होता है, लोचिया रूब्रा, लोचिया सिरोसा और लोचिया एल्बा। ठीक है, लोचिया रूब्रा यानी इसका दूसरा नाम है लोचिया क्रिएंटा, ये आपका ब्लडी यानी रेड कलर का देखने को मिलेगा, पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज है जो कि पहले 4 दिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वेजाइना से पहले 4 दिन आफ्टर द डिलीवरी जो भी ब्लड रेड कलर का डिस्चार्ज होगा उसको हम लोचिया रूब्रा बोलते हैं। लोचिया सिरोसा आपका 5 to 9 डेज आफ्टर द डिलीवरी वेजाइना से डिस्चार्ज होता है, ये थिन होता है, वोटरी होता है, इसको आप येलो या फिर पेल ब्राउन या फिर पिंक कलर का देखने को आपको ये मिल सकता है। उसके बाद आता है लोचिया एल्बा, ये इसका दूसरा नाम लोचिया प्यूरुलेंटा होता है, ये बिल्कुल ही पेल वाइट कलर का होता है, ये आपका डिस्चार्ज होता है बिटवीन द 10 to 15 डेज आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, ये आपके तीन तरह के हो गए, रूब्रा, सिरोसा, एल्बा। ठीक है, ये आपकी थ्योरी भी यहाँ पे लोचिया की हो गई। लोचिया क्या होता है आपका, लोचिया आपका वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि डिलीवरी के बाद यूट्रस से निकलता है, तीन तरह का होता है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट इज द रॉन्ग टर्म यूज्ड फॉर लोचिया इन द परप्यूरियम। तो रूब्रा, सिरोसा और एल्बा तो हमने पढ़ ली, विनोसा ऐसी कोई टर्म नहीं होती जो कि लोचिया से रिलेटेड हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लोचिया फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 आवर पोस्ट डिलीवरी। ठीक है, कैसे कलर का हमें देखने को मिलेगा, अब आपको पता है पहले 24 घंटे डिलीवरी के बाद तो हमें ये ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा। उसके बाद हमसे पूछा है द एवरेज अमाउंट ऑफ लोचिया डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 to 6 डेज आफ्टर डिलीवरी इज एस्टिमेटेड टू बी। पहले 5 से 6 दिन कितना अमाउंट ऑफ लोचिया आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये आपका रहता है वैसे तो 400 ml तक, लेकिन आपको एवरेज बताना है यहाँ पे 250 ml तक। ठीक है, 250 से 400 ml तक आपका ये 5 to 6 डेज डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद हमसे पूछा है इफ द वुमेन डजेंट नर्स हर चाइल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विद इन। अगर एक फीमेल अपने बच्चे को नर्स नहीं करती यानी दूध नहीं पिलाती है तो उसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है यानी दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल कब रिज्यूम हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो वो आपकी 6 to 8 वीक आफ्टर डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करती है तो। उसके बाद हमसे पूछा है इंजेक्शन मेथर्जिन इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इंजेक्शन मेथर्जिन क्यों दिया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये दिया जाता है टू प्रिवेंट द पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए ये इंजेक्शन आपका दिया जाता है। ये जो इंजेक्शन है मेथर्जिन, इसका नाम है मिथाइल अर्गोवाइन, ये दिया जाता है डिलीवरी ऑफ शोल्डर, बच्चे का शोल्डर जैसे ही बर्थ हो जाता है तब ये दिया जाता है टू प्रिवेंट द पीपीएच कोज्ड बाय द एटोनिक यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जब आपका एटोनिक हो यानी अच्छे से उसमें कॉन्ट्रेक्शंस ना आ रही हो तब ये दिया जाता है आपका। उसके बाद है वन ऑफ द पर्पज ऑफ गिविंग इंजेक्शन मिथार्जिन
फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन इज दैट, यानी ये अब से दोबारा सेम मिथर्जिन पे ही क्वेश्चन पूछा है कि ये क्यों दिया जाता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, तो ये दिया जाता है टू स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, यूट्राइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए ये इंजेक्शन आपका दिया जाता है. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमसे पूछा है ए मदर ड्यूरिंग द सेकेंड पोस्ट नेटल डे कंप्लेंट ऑफ पेन इन राइट लेग, द नर्स इनिशियल रिस्पॉन्स वुड बी. एक माँ है डिलीवरी के सेकेंड डे वो कंप्लेंट कर रही है कि उसकी राइट लेग के अंदर पेन हो रहा है, तो नर्स का इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा? वो उसको चलने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए बोलेगी, या फिर वो कहेगी कि बेड रेस्ट करो और फिजिशियन को बताएगी, या फिर वो मसाज करेगी अफेक्टेड एरिया को, या फिर हॉट जो थेरेपी है वो अप्लाई करेगी. तो इसका आंसर आएगा आपका, वो मदर को कहेगी बेड रेस्ट कीजिए और फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देगी सिचुएशन के बारे में. अब सेकेंड डे ऑफ पोस्ट ने डिलीवरी दर्द हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? आपका थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी जो वेन है फीमेल की उसके अंदर थ्रोम्बस बन चुका है. अगर ये आपका थ्रोम्बस इधर उधर यानी डिसलोज हो गया, घूमने लग गया ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो ये पल्मनरी एम्बोलिज्म कोज कर सकता है. इसीलिए फीमेल को हम ना कोई बेड वो कोई एक्सरसाइज के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम उसको बेड रेस्ट के लिए ही बोलेंगे. तो ये क्वेश्चन थे हमारे लोचिया से रिलेटेड, और इसके अंदर हमने थ्योरी पोर्शन को भी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, कि लोचिया कैसा होता है, कितना डिस्चार्ज होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते थे वो हमने पढ़ लिए हैं, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं. सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू.